तो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी ने लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 61,021 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 49,182 करोड़। और देखा जाए तो पहली बार कंपनी की ओर से जो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको 10,756 करोड़ के आसपास आपको पहुँचता हुआ देखते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 1,07,566 करोड़ के आसपास आपको पहुँचता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, डबल से भी ज़्यादा आपको कंपनी का जो रेवेन्यू है वो होता हुआ को देखने मिले। लेकिन याद रखिएगा एक फैक्टर को कि कंपनी मर्ज हुई थी, याद रखिएगा कंपनी मर्ज हुई थी तो दोनों कंपनी का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो यहां पे कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट की उम्मीद थी कि अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास का जंप होगा, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 51,168 को कंपनी ने जनरेट किया था, पिछले साल 40,929 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ के 75,039 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 41,132 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 30,460 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो 83,287 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,403 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया था, पिछले साल मात्र 11,162 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,312 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के EPS देख लेते हैं और NPA देख लेते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस हैं। तो EPS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 22 रुपये के आसपास था, पिछले साल 20 रुपये के आसपास, अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो EPS है वो आपको 22 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का NPA देख लेते हैं, ग्रॉस NPA नेट NPA जो कंपनी का है वो इस क्वार्टर में क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस NPA की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस NPA था 1.23 के आसपास, अभी देखें तो 1.34 के आसपास है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो पिछले साल से देखें तो पिछले साल से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी 1.17 था, तो ग्रॉस NPA के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिल रही। नेट NPA की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट NPA था वो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.33 के आसपास, अभी देखें तो 0.35 के आसपास है। तो नेट NPA के अंदर भी कंपनी का जो है वो आपको तेजी आपको देखने मिली साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो नंबर बहुत शानदार है कंपनी के द्वारा, नो डाउट नंबर बहुत पॉजिटिव साइड पर, रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों अच्छे हैं, लेकिन कंपनी का जो नेट NPA जो है ग्रॉस NPA उसके अंदर कंपनी ने थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस किया है और हो सकता है इसकी वजह से मार्केट थोड़ा निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट के अंदर कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है रिवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में, बस NPA के मामले में कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।